मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ودخل معه سجن فتيان, दो नौजवान जेल में थे आपके साथ, वो आए। जब उन्होंने देखा ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं मगर जिक्र में, तिलावत में, नमाज में लगे रहते हैं, तो आपको पता है इबादत का एक अलग नूर होता है। गैर मुस्लिम भी आपसे दुआएं करवाते हैं। तो जो कैदियों को ख्वाब आया, सोए ना, एक को ख्वाब आया कि मैं, मेरे सर पे चंगेरी रखी हुई है और उसमें कुछ रोटी के टुकड़े और परिंदे आके खा रहे हैं। दूसरे को ख्वाब आया कि मैं जूस अंगूर नचोड़ के बादशाह को जूस पिला रहा हूँ। अब ख्वाब इनको आया तो ये हैरान हुए कि यार इसकी ताबीर पूछनी चाहिए। तो इनको ख्याल आया कि यार हमारे साथ जेल के कैदियों में इनसे ज़्यादा नेक आदमी कोई भी नहीं है, यही नेक लग रहे हैं, तो चलो इनसे आके ताबीर पूछते हैं। तो आके ताबीर पूछने लगे, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, और कहने लगे हम आपको नेक आदमी समझते हैं, अगरचे हमारा मज़हब आपका मज़हब अलग है मगर आप हमें नेक मालूम होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब देखा कि अब ये मेरे मोहताज हैं, अब ये मुझसे ताबीर सुनना चाहते हैं। तो जो आदमी किसी का मोहताज होता है ना, उस मौके पर आप उसको कोई नसीहत करोगे असर करेगी, क्योंकि वो अब यरगमाल बना हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उनको दीन की तबलीग शुरू कर दी और कहने लगे, देखो मेरे पास एक और मौजज़ा है कि तुम्हारा घर से जो खाना आएगा ना, ये जो भी खाना आएगा मैं पहले बता दूंगा क्या आने वाला है। ये अल्लाह ने मेरे साथ एक मामला किया है और ये जो मुझे ताबीरों का इल्म सिखाया और मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ क्या आने वाला है, ये एक वजह से किया है। वो वजह क्या है कि मैं और हमारे बाप दादा बुतों की इबादत नहीं करते। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, हम ऐसी कौम को छोड़ चुके हैं, ला युमिनूना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो बुत परस्त थे ना, लेकिन हमने वो मिल्लत क्या कर दी है, छोड़ दी। हम तौहीद परस्त हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। वत्तबा तो मिल्लत आबाई, और मैं अपने बाप दादा को फॉलो करता हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब को। हमारे अंदर कदर मुश्तरक ये है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। फिर कहने लगे, या साहिब ये सिजनी, ऐ मेरे जेल के दोनों साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून, बताओ इतने सारे मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के खुदा, मुतफर्रिकून का माना डिफरेंट, ये ज़्यादा बेहतर है अमिल्लाहुल वाहिद, या एक अल्लाह जो अकेला है, अल कहार, सब पर गालिब, तुम्हें क्या हो गया इतने सारों को तुम पूज रहे हो? तो वो कैसी तबलीग, ताबीर नहीं बता रहे, ताबीर बताने से पहले पहले उनको तबलीग कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि विजनरी लोग कहीं भी हों, उनकी नजर में सबसे पहले अपना विजन होता है। हजरत यूसुफ का विजन था अल्लाह के दीन की तबलीग, तो यहां भी उन्होंने वो तबलीग का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आज बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जबरदस्त मोटिवेशन, लेकिन जहां थोड़े से पैसे कम मिल रहे हो वहां मोटिवेशन गई तेल लेने, समझ रहे हैं ना। इससे पता चलता है उनका असल हदफ लोगों को गाइड करना नहीं है, असल हदफ पैसा है। तो जब आप ही का अपना असल हदफ पैसा है, आप लोगों को क्या इंसान का बच्चा बनाओगे भाई, है भाई, लोगों को क्या तबलीग करोगे? तो पहले विजन हो, फिर उसके तहत आप पैसे कमा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हदफ क्या है ना, पहले हदफ सामने होना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, इतने सारे खुदाओं में तुम पागल हो, इतने सारे खुदा अच्छे हैं, ये एक खुदा अच्छा है, मान ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा, तुम जिन बुतों की इबादत करते हो तुम्हारे बाप दादा ने खुद घड़ ली है। देखो अगर पहले से ही जेल में ये तबलीग शुरू कर देते ना, तो कंप्लेन हो जाती कि नहीं हो जाती? इससे हमें तबलीग का भी पता चलता है कि बेमौका तबलीग जायज नहीं। आप वैसे ही किसी हिंदू को पकड़ के बोल रहे हैं, अबे तू इतने भगवानों को पूछता है क्या है, और रख के दो थप्पड़ लगा देगा आप, वो कहेगा तुम तौहीन कर रहे हो, बजाय दीन के करीब आने के दूर हो जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये काम पहले भी तो कर सकते थे ना, नहीं किया, उनको पता था भाई ये अपने माबूदों के खिलाफ नहीं सुनेंगे, अब सुनेंगे, क्योंकि इनको जब तक मैं ताबीर नहीं बताऊंगा ना, यहाँ चिपक के बैठे रहेंगे मेरे साथ, ना फड्डा करेंगे ना झगड़ा करेंगे, इनको पता है झगड़ा किया तो बोलेंगे जाओ मैं नहीं बता रहा ताबीर, ठीक है ना। तो
उनसे कहने लगे इन हिया मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला आसमान, ये तुम्हारे बाप दादा ने कुछ नाम घड़ लिए हैं, इनको फॉलो कर रहे हो, इनके खुदा होने की अल्लाह ने आसमान से कोई दलील नाजिल नहीं की, ये तुम्हारे पंडितों का बनाया हुआ फलसफा है। इल्ला इल्ला, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, उसका हुक्म है, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। और यही सीधा दीन है। तौहीद की तबलीग करने के बाद फिर उनको बताया या साहिब ये सिजनी, ऐ मेरे जेल के साथियों, दोस्तों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, एक छूट जाएगा, थोड़े दिनों में रिहाई होने वाली है, और बादशाह को जैसे पहले शराब पिलाया करता था दोबारा शराब पिलाया करेगा। वह अम्मल आखर, और दूसरे को फांसी पे लटका दिया जाएगा, और ताकुलु तैरु मिर रासी, और उसकी लाश को उसके सर को परिंदे नोच नोच के खाएंगे। और फिर आगे कहने लगे कुजियल अम्रुल्लदी फीही तस्तफ्तियान, जो तुमने ताबीर मुझसे पूछी है अल्लाह ने उसका फैसला कर दिया है, अब यही होगी ताबीर, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। उलमा ने हदीस से भी यह बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब की ताबीर लटकी रहती है जब तक बताई ना जाए, जब बता दी जाती है तो फिर वही होती है, समझते हो, इसलिए ख्वाब की ताबीर किसी बेवकूफ से ना पूछा करो, बदख्वाह से ना पूछा करो, वो उल्टी उल्टी ताबीरें बता के मरवा देगा आपको, सही है ना। ख्वाब की ताबीर किसी, अव्वल तो हर ख्वाब काबिल ताबीर नहीं होता, लोगों को पेट में गैस होती है, हाँ हकीकत बता रहा हूँ, खाना देर से खाया है गैस की वजह से डरावने ख्वाब आते हैं, और ख्वातीन ससुराल में खुश नहीं होती तो वो उनको सास नागन बन के ख्वाब में आ रही होती है, और जिठानियाँ छिपकली बन के आ रही होती हैं, नंदे गिरगिट बन के आ रही होती हैं, फिर वो फ़ोन करके पूछती हैं कि आज मैंने अपनी सास को छिपकली की शक्ल में देखा है, इसकी ताबीर बताएं, मैं तो पहले ही कहती थी ये मुझे डसेगी। तो भाई ये आपकी अपनी दिमाग का फतूर है जो ख्वाब में बन के सामने आ गई, किसी खातून को सास कभी फरिश्ते की शक्ल में नज़र आज तक नहीं आई है, ना किसी सास को कभी बहू किसी हूर की शक्ल में नजर आई है, ये रिश्ते इस किस्म के हैं कि ये चुड़ैल और छिपकलियों ही की शक्ल में ख्वाब में नमूदार होते हैं, तो इन ख्वाबों को लिफ्ट कराने की जरूरत बोलो नहीं है। हाँ कोई रीजन ना हो, कोई वजह ना हो, फिर कोई अजीब सा ख्वाब आ जाए और आपको लग भी रहा होता है, इंसान को अंदाजा हो जाता है कि यार ये आम ख्वाब नहीं है, तो फिर उसकी ताबीर किसी खैरख्वाह से पूछें। एक साहब ने किसी को फ़ोन किया कि मुझे ख्वाब आया है, तो उसने छूटते ही बोल दिया तेरी बीवी को तलाक हो जाएगी, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा पागल आदमी, और वाकई फिर थोड़े दिनों में तलाक हो गई। तो उल्टे उल्टे लोग मार्केट में होलसेल के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो किसी ऐसे आदमी से जो कोशिश करके अच्छी तावील बताए उसकी। खैर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि जिसके बारे में था ना कि इसको रिहाई मिल जाएगी, उससे कहा कि जाके बादशाह से मेरा तस्करा कर देना, कई साल से एक आदमी जेल की कोठरियों में पड़ा हुआ है, अब उसकी रिहाई का कोई बंदोबस्त करो, सिफारिश करो मेरी जाके। एक उम्मीद हो गई ना, जेल के अंदर से कहाँ आवाज़ पहुँचती है, लेकिन कुरान क्या कहता है, उसने वादा कर लिया लेकिन जब रिहा हुआ तो भूल गया, मतलब परस, देखो ये होता है आज जब अपना काम होता है भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने कैसे याद रखा कि बादशाह को फिर ख्वाब आया कुछ दिनों में, बादशाह ने लोगों को जमा करके कहा मुझे ख्वाब आया इसकी ताबीर बताओ, फिर उसको याद आ रहा अरे एक बंदा था जिसने ताबीर बताई। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हमें समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।